सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई कंपैरिजन सीरीज के वीडियो में। एंड इस शो में हम पटना पायरेट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के टीम को कंपैरिजन करने वाले। आखिर ओवरऑल कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे सीजन 8 का ऑक्शन खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे दोनों टीम्स ने अपने नए प्लेयर्स के साथ अपना स्क्वाड बिल्ड कर दिया है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमने 4 वीडियोज में टीम्स के कंपेरिजन किए। इस वीडियो में हम पटना पायरेट्स एंड बंगाल वॉरियर्स को कंपेरिजन करने वाले एंड आपको डेली कंपेरिजन सीरीज पे एक वीडियो देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो लगा बहुत सारा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल 3 राउंड होने वाले। राउंड नंबर 1 पे यहाँ पे हम रेडर्स का कंपैरिजन करने वाले, राउंड नंबर 2 पे हम डिफेंडर्स का कंपैरिजन करेंगे एंड फाइनल राउंड यानी कि राउंड नंबर 3 पे हम हेड टू हेड देखने वाले, यानी कि ओवरऑल पीकेएल की हिस्ट्री में कौन सी टीम ने ज्यादा मैचेस जीते जब इन दोनों टीम्स का मुकाबला हुआ है। तो गाइस यहाँ पे बढ़ते हैं सबसे पहले राउंड नंबर 1 यानी कि रेडर्स के बैटल की तरफ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले पटना पायरेट्स के रेडर्स की तरफ देख ले। तो गाइस यहाँ पे पटना पायरेट्स के स्क्वाड में रेडर्स में मोनू, मोहित, राजवीर सिंह, चावन, सचिन, प्रशांत कुमार राय, जैंग कुंडली, गुमान सिंह एंड मोनू गैत। ओवरऑल देखा जाए तो पटना पायरेट्स की टीम के पास अच्छे खासे रेडर्स हैं। एंड वहीं पे बात की जाए बंगाल वॉरियर्स के पास, हो गए हमें बंगाल वॉरियर्स के स्क्वाड में रेडर्स में मनिंदर सिंह, रविंदर कुमावत, ऋषंग देवाधिका, सुमित सिंह, सुकेश हेगड़े एंड आकाश पिका मुंदे। तो गैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के पास भी अच्छे खासे मतलब कि रेडर्स है एंड ऑलराउंडर्स में भी मोहम्मद नबी बख्श हो गए जो यहाँ पे रेडिंग कई हद तक कर लेते। तो गैसे यहाँ पे मैंने दोनों टीम से टॉप 3 रेडर्स सेलेक्ट किए। सबसे पहले बात करते पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से, तो यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से मैंने टॉप 3 रेडर्स में सिलेक्ट किया सचिन तनवर, मोनू गोयत एंड प्रशांत कुमार राय को। एंड वहीं पे बंगाल वॉरियर्स की टीम की तरफ से टॉप 3 रेडर्स में सिलेक्ट किया है मनिंदर सिंह, ऋषंग देवाधिका एंड सुकेश हेगड़े का। तो गाइस यहाँ पे दोनों टीम्स के टॉप 3 रेडर्स के परफॉर्मेंस को जान लेते। गाइस यहाँ पे सबसे पहले पटना पायरेट्स के टॉप 3 रेडर्स के यहाँ पे स्टेट्स के बारे में जान लेते। गाइस यहाँ पे सचिन तनवर ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 16 मैचेस खेले थे। उन 16 मैचेस में से इनके पास टोटल 84 रेड पॉइंट्स हैं। इनका एवरेज रेट पॉइंट पर मैच था 5.25 का। एनवीपी मोनू गोयत ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 14 मैचेस खेले थे। उन 14 मैचेस में से इनके पास टोटल 65 रेट पॉइंट्स हैं। इनका एवरेज रेट पॉइंट पर मैच था 4.64 का। एंड वहीं पे प्रशांत कुमार राय ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 16 मैचेस खेले थे। उन 16 मैचेस में से इनके पास टोटल 91 रेट पॉइंट्स हैं। इनका एवरेज रेट पॉइंट पर मैच था 5.68 का। अब दोस्तों यहां पे बंगाल वॉरियर्स के टॉप 3 रेडर्स के यहां पे स्टेट जान लेते। तो गाइस यहां पे मनिंदर सिंह ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 20 मैचेस खेले थे। उन 20 मैचेस में से इनके पास टोटल 205 रेट पॉइंट्स थे एंड इनका एवरेज रेट पॉइंट पर मैच था 10.25 का। एंड वहीं पे ऋषंग देवाधिका ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 18 मैचेस खेले थे। उन 18 मैचेस में से इनके पास टोटल 75 रेट पॉइंट्स थे एंड इनका एवरेज रेट पॉइंट पर मैच था 4.16 का। एंड वहीं पे सुकेश हेगड़े ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 16 मैचेस खेले थे। उन 16 मैचेस में इनके पास टोटल 61 रेट पॉइंट्स हैं। इनका एवरेज रेट पॉइंट पर मैच था 3.81 का। तो गाइस यहां पे दोनों ही टीम्स के टॉप 3 रेडर्स का अगर रेट पॉइंट्स यहाँ पे कंबाइन कर ले जाए तो गाइस यहाँ पे पटना पायरेट्स का टोटल रेट पॉइंट्स बनता है 240 रेट पॉइंट्स एंड वहीं पे बंगाल वॉरियर्स का टोटल रेट पॉइंट्स बनता है 341 रेट पॉइंट्स। तो गाइस यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 रेट पॉइंट्स का डिफरेंस निकल के आ रहा है, जो ऑफकोर्स मनिंदर सिंह के वजह से निकल के आ रहा है। यानी कि जो रेटिंग डिपार्टमेंट है स्टेट्स के हिसाब से यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम जीत चुकी है, यानी कि राउंड नंबर 1 यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम जीत चुकी है। अब बढ़ते राउंड नंबर 2 यानी कि डिफेंडर्स की बैटल की तरफ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले पटना पायरेट्स के डिफेंडर्स की ओर देख लेते। गाइस यहाँ पे पटना पायरेट्स के स्क्वाड में डिफेंडर्स में नीरज कुमार, शुभम सिंधे, संदीप, सौरभ गुलिया एंड सुनील। एंड वहीं पे बंगाल वॉरियर्स के स्क्वाड में डिफेंडर्स में रिंकू नरवाल, परवीन, विजिन थंगुदराय, रोहित बनाने, दर्शन जेव, सचिन वितल्ला एंड अबुजार मेघानी। तो गाइस यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के पास काफी अच्छे डिफेंडर्स अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पे मैंने दोनों टीम से टॉप 3 डिफेंडर्स सिलेक्ट कर लिए। पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से मैंने टॉप 3 डिफेंडर्स में सिलेक्ट किए नीरज कुमार, सुनील एंड शुभम सिंधे को। एंड वहीं पे बंगाल वॉरियर्स की टीम की तरफ से टॉप 3 डिफेंडर्स में सिलेक्ट किया रिंकू नरवाल, अबुजार मेघानी एंड सचिन वितल्ला को। तो गाइस यहां पे दोनों टीम्स के टॉप 3 रीडर्स के यहां पे जो स्टेट्स हो देख लेते। तो गाइस यहां पे सबसे पहले पटना पायरेट्स के टॉप 3 डिफेंडर्स के स्टेट्स जान लेते। तो गाइस यहां पे नीरज कुमार ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 22 मैचेस खेले थे। उन 22 मैचेस में से इनके पास टोटल 59 टैकल पॉइंट्स हैं। इनका टैकल स्ट्राइक रेट है 41.22% का। तो गाइस यहां पे बात करते सुनील की, तो गाइस यहां पे सुनील ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 21 मैचेस खेले थे। उन 21 मैचेस में से इनके पास टोटल 55
5 टैकल पॉइंट्स एंड इनका टैकल स्ट्राइक रेट है 43.20% का। एंड वहीं पर शुभम सिंधन ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 13 मैचेस खेले थे, उन 13 मैचेस में इनके पास 17 टैकल पॉइंट्स एंड इनका टैकल स्ट्राइक रेट है 34.09% का। अब दोस्तों यहां पे बंगाल वॉरियर्स के टॉप 3 डिफेंडर्स का यहां पे स्टेट जान लेते हो गाइस। यहां पे रिंकू नरवाल ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल यहां पे 23 मैचेस खेले थे, उन 23 मैचेस में इनके पास 64 टैकल पॉइंट्स थे एंड इनका टैकल स्ट्राइक रेट है 45.11% का। एंड वहीं पे अबुजर मेगानी ने प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 18 मैचेस खेले थे, उन 18 मैचेस में इनके पास 39 टैकल पॉइंट्स एंड इनका टैकल स्ट्राइक रेट है 41.38% का। एंड वहीं पे सचिन वित्तला ने यहां पे प्रो कबड्डी सीजन 7 में कुल 22 मैचेस खेले थे, उन 22 मैचेस में इनके पास 25 टैकल पॉइंट्स एंड इनका टैकल स्ट्राइक रेट है 39.34% का। तो गाइस यहां पे आप दोनों टीम्स के टॉप 3 डिफेंडर्स का टैकल पॉइंट्स कंबाइन कर लेते हो गाइस। यहां पे पटना पायरेट्स का अगर टॉप 3 डिफेंडर्स का जो टैकल पॉइंट्स कंबाइन कर ले जाए तो गाइस यहां पे पटना पायरेट्स के टोटल टैकल पॉइंट्स बनते 131 टोटल टैकल पॉइंट्स एंड वहीं पे बंगाल वॉरियर्स के टोटल 128 टैकल पॉइंट्स निकल के आते। तो गाइस यहां पे 3 पॉइंट्स से यहां पे पटना पायरेट्स की टीम लीड कर रही है एंड देखा जाए तो परफॉर्मेंस के बेस पर दोनों टीम बराबरी है, लेकिन यहां पे 3 पॉइंट से लीड कर रही है तो यानी कि जो राउंड नंबर 2 है वो यहां पे पटना पायरेट्स की टीम जीत चुकी है। अब यहां पे बढ़ते राउंड नंबर 3 यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तरफ। तो गाइस यहां पे प्रो कबड्डी सीजन यानी कि प्रो कबड्डी के सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक पटना पायरेट्स एंड बंगाल वॉरियर्स के बीच में टोटल 15 मैचेस हो चुके हैं, यानी कि 15 बार दोनों टीम्स आपस में भिड़ी है, जिसमें से यहां पे पटना पायरेट्स की टीम ने 9 बार जीता है एंड वहीं पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 3 बार जीता है एंड वहीं पे 3 मैच यहां पे टाई मैचेस गए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हेड टू हेड में पटना पायरेट्स का टीम का बहुत सा पलड़ा भारी निकल के आ रहा है, वहीं पे 9 मैचेस एंड 3 मैचेस। तो गाइस यहां पे देखा जाए तो हेड टू हेड के मामले पटना पायरेट्स की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो गाइस यहां पे जो राउंड नंबर 3 है वो भी यहां पे पटना पायरेट्स की टीम जीत चुके। तो गाइस यहां पे टोटल 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद जो राउंड नंबर 1 है बंगाल वॉरियर्स की टीम जीती, राउंड नंबर 2 पटना पायरेट्स की टीम जीती एंड राउंड नंबर 3 भी यहां पे पटना पायरेट्स की टीम जीत चुकी। यानी कि टोटल 3 राउंड होने के बाद पटना पायरेट्स का 2 पॉइंट्स एंड वहीं पे बंगाल वॉरियर्स का है 1 पॉइंट, यानी कि जो ये कंपैरिजन का वीडियो है वो यहां पे पटना पायरेट्स की टीम जीत चुकी है। अब यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि पटना पायरेट्स की टीम भी सीजन 8 में जीतेगी, बंगाल वॉरियर्स की टीम हार जाएगी, ऐसा नहीं है। पटना पायरेट्स की टीम भी स्ट्रांग है, बंगाल वॉरियर्स की टीम भी स्ट्रांग है, लेकिन यहां पे परफॉर्मेंस के बेस पर जिस हिसाब से हमने राउंड रखा है उस हिसाब से यहां पे पटना पायरेट्स की टीम लीड कर रही है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करते हो, आप जाके फटाफट टेलीग्राम पे मैंने एक पोल क्रिएट किया जहां पे आप सभी से क्वेश्चन किया कि कौन सी टीम जीतेगी अगर इन दोनों टीम का मुकाबला होता है सीजन 8 में, तो आपके हिसाब से कौन सी टीम लगती है, एक बार आप जाके फटाफट टेलीग्राम पे वोट कीजिए। आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके @kabaddiofficial करके भी सर्च करके हमारे टेलीग्राम अकाउंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज जो भी कबड्डी के छोटे बड़े अपडेट्स निकल के आते हैं वो भी आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गाइस कई सारे आपको फायदे मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो फटाफट जाके हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस यहां पे आपको जो नेक्स्ट एपिसोड है कौन से टीम्स के ऊपर चाहिए एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा एंड मैं आपको ऑलरेडी फिर से बता देता हूं गाइस, यहां पे कोई भी टीम को मैं हेट नहीं कर रहा हूं, यहां पे परफॉर्मेंस के बेस पे यहां पे पटना पायरेट्स की टीम जीत चुकी है एंड अगर आप बंगाल वॉरियर्स के सपोर्टर्स है तो फटाफट जाके बंगाल वॉरियर्स को पोल में जिता दो, देखते हैं कौन सी टीम आगे आती हो तो हमें पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।